न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेजांगला दिवस के अवसर पर आज रेवाड़ी में उपायुक्त एवं जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष यशेंद्र सिंह ने रेजांगला शहीद स्मारक व युद्ध स्मारकों पर पहुंच पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उपमंडल अधिकारी रविंद्र यादव, जिला सैनिक बोर्ड के सचिव सेवानिवृत्त कर्नल सरिता यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा शहीदों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। युवा पीढ़ी को इनकी कुर्बानियों व बलिदानों से प्रेरणा लेते हुए देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के वीर शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। हम देश के वीर शहीदों के सदा ऋणी रहेंगे। इसके उपरांत डीसी यशेंद्र सिंह ने रेजांगला पार्क में स्थित वार म्यूजियम का भी निरीक्षण किया तथा जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को निर्देश दिए कि रेजांगला पार्क में स्थित वार म्यूजियम को आम जन के लिए हर रविवार को खोला जाए ताकि युवा पीढ़ी हमारे वीर शहीदों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, रेजांगला दिवस से आज आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज रेजांगला शौर्य दिवस पे हम सब अमर शहीदों को श्रद्धांजलि और उनका नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं रेजांगला स्मारक में। क्या कुछ संदेश देंगे ऐसे में जिलावासियों को, प्रदेशवासियों? संदेश यही है कि इनके कारण ही आज हम आजादी में की तरह सांस ले रहे हैं और हमारा देश सही हाथों में सुरक्षित है।